दोस्तों, ये चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि नई वीडियो के अपडेट आपको ऐसे नोटिफिकेशन के द्वारा मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं अपना ये वाला वीडियो। हाँ दोस्तों, अभी मैंने इसमें ओपन किया है, अभी देखते हैं बुकिंग कैसे आती है इसमें। तो जैसे ही बुकिंग आएगी मैं आपको बताऊंगा बुकिंग के पूरे डिटेल्स, कैसे और कैसे लगा मारा जाता है और कैसे ट्रिप एंड किया जाता है, कैसे टोल ऐड किया जाता है इसमें। देखो दोस्तों, ये बुकिंग आई है, बीप बजता है पर मैंने बीप को साइलेंट करके रखा है। इसके लिए देखिए इस तरीके से बुकिंग आती है। ऊपर राइट साइड में सीओ संजय दुबे लिखा है और ऑप्शन लिखा है, और लेफ्ट साइड में सीओ कैब ब्लू पट्टी पे। अब नीचे नेविगेशन का, जैसे ओला में कैसा नेविगेशन का ऑप्शन आता है वो दिखा है, और मुझे पिकअप करने कहाँ जाना है, जू चंद्रा महाराष्ट्र इंडिया। आप ये जू चंद्रा महाराष्ट्र इंडिया तो बहुत बड़ा एरिया है, तो आप इसको नेविगेशन के थ्रू आप जा सकते हैं। जैसे ये नेविगेशन के थ्रू जाएंगे तो ऐसा मैप चालू होगा, यहाँ पे आपको स्टार्ट करना है तो ये आपका नेविगेशन चालू हो जाएगा। आपको कस्टमर तक कैसे जाना है, ठीक है। अब हम बैक जाएंगे वापस। अब यहाँ पे हमको अभी क्या करना है, कस्टमर को कॉल करना है, या आपको लोकेशन पता है तो आप नेविगेशन के थ्रू जाएं, अगर नहीं पता है, आप उस एरिया के हो, आपको उस एरिया का नॉलेज है, तो आप डायरेक्ट कॉल करके कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अब कॉल कैसे होगा, ये संजय दुबे जो लिखा है कस्टमर का नाम है, इस पर हम क्या करेंगे, देखिए लिखा है एक गोल सर्कल आया, संजय दुबे सीओ कैब ड्राइवर, ठीक है। संजय दुबे जो है ये कस्टमर का नाम है, सीओ कैब ड्राइवर ये एप्लीकेशन है, ये कॉल का बटन है, कॉल राइडर, आप राइडर को कॉल कर सकते हैं यहाँ पे दबा के। अब आपका जो भी नंबर रजिस्टर्ड है सीओ कैब में, आप वो नंबर से, एक नंबर दो नंबर से कॉल कर सकते हो, ठीक है। अब हम बैक जाएंगे। अब जैसे ही हम कस्टमर के पास पहुँचते हैं तो हमको सबसे पहले क्या करना है, अराइव दबाना है। अराइव दबाने के बाद ये कुछ लोडिंग दिखाएगा। अब कस्टमर को यहाँ पे आ गया, हमने लोकेशन पहुँच गए, कस्टमर को एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अब कस्टमर को जाना है दादर। अब दादर जाने के लिए हमको यहाँ पे लिखा है कितना किलोमीटर है कितना नहीं, हम यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितने घंटे ये सब बता देगा। और दादर मुंबई महाराष्ट्र इंडिया लिखा है, उसके बगल में आपको एक पेंसिल का ऑप्शन दिख रहा है। वो पेंसिल का ऑप्शन का मतलब क्या है, जैसे कस्टमर आया और आपकी गाड़ी में बैठा, बैठने के बाद अगर उसको कहीं और जाना है, मलाड जाना है या कहीं और पहले, या कहीं कोलाबा जाना है, पर आपका लोकेशन पे तो यहाँ पे दादर मुंबई महाराष्ट्र लिखा है, तो इसमें आपको क्या करना है, ये पेंसिल अभी कस्टमर को बोलेंगे चेंज करने के लिए, अगर उसके पास नेट नहीं है या घर के वाईफाई से बुकिंग कर रहा है या उसका नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन आपके नेटवर्क का प्रॉब्लम नहीं है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पेंसिल के ऑप्शन पे क्लिक करना है। आप समझ लीजिए कोलाबा डाल दीजिए, कोलाबा डाल दिए तो देखिए यहाँ पे क्या है ना, सीधा लोकेशन चेंज होके कोलाबा पहुँच जाएगा। अभी समझ लीजिए, एक बार और चेंज करके मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आप अभी समझ लीजिए बोरोवली, आप बोरोवली डाल दीजिए, अभी ये बोरोवली चेंज हो गया। ये आप कस्टमर को बता करके चेंज करना है, उनको अगर वो बोलेंगे तो चेंज करना है, नहीं तो नहीं चेंज करना है, ठीक है। अभी नीचे आप बैठ गए हैं कस्टमर के पास। कस्टमर के पास बैठने के बाद आप कस्टमर को दो तरीके से, अराइव होने के बाद दो तरीके से कॉल कर सकते हैं। एक वही पहला ऑप्शन संजय दुबे पे कॉल करके, और दूसरा ऑप्शन यहाँ नीचे लेफ्ट साइड में कॉल राइडर लिखा है, वो आप वहाँ से भी डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ये हो गया। अभी हमको जैसे कस्टमर आता है तो कस्टमर से पूछ के हमको ट्रिप स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट ट्रिप दबाएंगे। अब ये वापस से पूछ रहा है कि डू यू वांट टू स्टार्ट ट्रिप, तो हम अगर कस्टमर आया है तो ठीक है यस करेंगे, नहीं आया है तो नो करेंगे, तो हम यस करते हैं। कस्टमर आ गया है इसके लिए हम यस करते हैं। अब यस करने के बाद यहाँ पे आपकी ट्रिप हो गई है स्टार्ट। अभी मैं कहीं जा तो नहीं रहा हूँ, पर मैं यहीं पे बैठे बैठे मैं आपको बता दूँगा। अभी लोकेशन, अभी हमको बोरोवली तक का रास्ता पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप नेविगेशन वापस चालू कर सकते हैं यहाँ से। तो देखिए आप जैसे मैप चालू होगा, यहाँ पे आपके ऊपर राइट साइड में सीओ कैब भी दिख रहा है और नीचे आपका मैप भी चालू हो जाएगा।
ठीक है। तो आप ये नेविगेशन भी यूज़ कर सकते हैं, नेविगेशन चला करके कस्टमर के आप लोकेशन तक पहुंच सकते हैं, कितने मिनट लग रहा है, कितना घंटा लग रहा है। अब यहाँ लेफ़्ट साइड में SOS दिया है, ये इमरजेंसी जो ही अब हमारा ऑप्शन हम मांगते थे SOS, ये सिक्योरिटी सेंड टू डिटेल योर SOS कॉन्टेक्स। अब CEO कैब ने जिसको भी SOS में बैठाया हो सॉस के इमरजेंसी कॉन्टेक्ट में, ये उनको तुरंत मैसेज पहुँच जाएगा। और लेफ्ट साइड में नीचे लिखा है होल्ड ट्रिप, होल ट्रिप इसके लिए लिखा है कि वेटिंग, अगर कस्टमर मेरे लोकेशन से ड्रॉप लोकेशन के बीच में कहीं वेट करना चाहता है या किसी का इंतज़ार कर रहा है या किसी चीज़ के लिए, वो 10 मिनट, 5 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट जो भी रोकता है, तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट होल्ड दबाना है, तो होल्ड का ये टाइमर चालू हो जाएगा। देखिए ये होल ट्रिप में आपका टाइमर चालू रहेगा, जैसे अभी मैं आपको 20 सेकंड तक आपको दिखाऊँगा। 00 मतलब 00 का फर्स्ट का घंटा होता है, बीच वाले का मिनट होता है, और ये लास्ट वाले का सेकंड होता है। अभी जैसे मैं 1 मिनट तक नहीं, तो अभी 30 सेकंड तक रुकूंगा। अभी वापस से यहाँ पे वापस से आपको यहाँ पे कॉल राइटर लिखा है, अगर कस्टमर नहीं आ रहा तो आप इसको कॉल कर सकते हैं। वापस से आपको रिज्यूम कर देना है, रिज्यूम कर देंगे वापस से ट्रिप आ जाना है, जब कस्टमर आ जाएगा तो ही आपको रिज्यूम करना है, नहीं तो नहीं करना है। अब हम आते हैं ट्रिप एंड पे, ट्रिप एंड कैसे होता है, यहाँ पे राइट साइड में ट्रिप एंड लिखा है, हम इसे एंड करेंगे। फिर से पूछ रहे हैं कि श्योर आपको ट्रिप एंड ही करना है, तो हमको हाँ ट्रिप एंड करना है, तो यहाँ पे ट्रिप एंड करेंगे। अब यहाँ पे सेलेक्ट टोल लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही अभी मैंने कोई टोल क्रॉस नहीं किया है तो यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। जैसा हम मैं आपको पहले टोल की जानकारी बता देता हूँ, एक दहीसर टोल आता है, एक मुलुंड LBS मार्क का टोल आता है, एक मुलुंड हाईवे का टोल आता है, 3 हो गया, एक एरोली टोल आता है, 4 हो गया, एक वासी टोल आता है, ये 5 टोल। ये पांचों टोल पे आपको 35 रुपीज़ ही आपको ऐड करना है, ऐड करके डन करना है। ये डन करने के बाद डन करना है, और छठा जो मतलब एक आता है टोल, वो है हमारा सीलिंग का। सिंगल जाएंगे, एक्चुअली कस्टमर तो सिंगल ही जाएगा, कस्टमर तो सिंगल ही जाएगा, तो आपको 70 रुपीज़ ही आपको यहाँ पे ऐड करना है, उसके अलावा 1 रुपया ज़्यादा भी ऐड नहीं करना है, जो कि आपके बिल में ऐड हो जाएगा, और आपको 70 रुपीज़ ही ऐड करना है, उससे 1 रुपया ज़्यादा भी नहीं करना है आपको। तो जैसे ही हो जाएगा तो नो टोल पे जैसे क्लिक करेंगे, तो आपको अगर जैसे कोई भी टोल ऐड नहीं हुआ है, तो आप नो टोल पे ऐड करके आपका बिल जनरेट हो जाएगा यहाँ पे। अभी देखिए यहाँ पे कैसे मिनिमम, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था हमारी ट्रिप समरी, मेरा अभी मैंने ट्रिप एंड किया तो 105 रुपया बता रहा है, मुझे कैश लेना है, मिनिमम फेयर अप्लाई, ये मैंने जैसे कि कहीं गया नहीं था इसके लिए मिनिमम फेयर अप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आपका टोटल डिटेल आपको बता रहा है, मैं जू चंद्रा से स्टार सिटी गया हूँ और ज़्यादा दूर गया नहीं हूँ। और यहाँ पे आपको संदीप जैसे मैं ड्राइवर, तो मैं कस्टमर को यहाँ पे रेटिंग दे सकता हूँ, मैं 5 स्टार दे दिया, चाहे मैं एक दे दिया, चाहे 2 दे दिया या 3, वो कस्टमर के ऊपर डिपेंड होता है, वो आपके साथ कैसा बिहेवियर करता है उसके हिसाब से। अगर हमको इसके बाद कोई भी ट्रिप लेना है तो आप लेस्ट स्टार्ट न्यू करेंगे, नहीं हमको चाय पानी या किसी चीज़ के लिए रुकना है तो हम गो ऑफलाइन पे जाएंगे। लेफ्ट साइड में गो ऑफलाइन है, राइट साइड में लेट्स स्टार्ट न्यू है, ट्रिप लेंगे हम, ठीक है। अब हम यहाँ पे वापस से गो ऑनलाइन जाते हैं, मतलब जैसे हमको ट्रिप और मारनी है तो हम राइट साइड का बटन क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे हम वापस से ऑनलाइन आ जाएंगे। तो ऑनलाइन आने के बाद आप वापस से नई बुकिंग ले सकते हैं। मैं यहीं पे अभी अपना वापस से ऑफलाइन करता हूँ, आप लोगों को कैसा ये लगा तरीका वो बताइए मुझे, अच्छा लगेगा तो भी बताइए, नहीं लगेगा तो भी बताइए। अभी जैसे मैं एक ऑप्शन और यहाँ दिखा रहा हूँ, ऑनलाइन जैसे पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमको पूछ रहा है यू आर श्योर यू वॉन्ट टू गो ऑफलाइन, मतलब आप सच्ची में गो ऑफलाइन जाना चाहते हो, अगर हाँ तो गो ऑफलाइन पे क्लिक कीजिए, नहीं तो कीप ड्राइविंग पे क्लिक कीजिए। तो मैं गो ऑफलाइन पे जाऊंगा, तो मैं यहाँ पे गो ऑफलाइन कर देता हूँ।
ये गो ऑफलाइन हुआ, लोडिंग हो रहा है। देखिए यहाँ पे राइट साइड में आ गया गो ऑफलाइन, जो कि ब्लैक में बटन आ गया। तो इसी के साथ ये मेरा ट्रेनिंग वीडियो ख़त्म होता है।